नमस्कार, मैं मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। एजेंडा बेधड़क में आज बात सीएम गहलोत के जीरो टॉलरेंस की। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम ने आज बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिसके कारण यहां अपराधी जेल के अंदर है और जनता खुलेआम अपराध मुक्त होकर जीवन यापन कर रही है। बस कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर जनता और सरकार दोनों को मिलकर काम करना होगा। साथ ही सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि राजस्थान में एसीबी में किसी का दखल नहीं है और हमने एसीबी को फ्रीडम दे रखी है। भले ही सीएम का यह बयान किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है, लेकिन बीजेपी इसे बिल्कुल गलत बता रही है। बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान में अपराध बढ़ा है, तो आज सवाल यही है कि आखिर राजस्थान की मणिपुर से तुलना करना कितना सही है? क्या वाकई राजस्थान में अपराध कम हो रहा है? क्या वाकई में राजस्थान में एफआईआर दर्ज होती है और इसलिए अपराध के मामले सामने आते हैं? क्या अगर एसीबी की तुलना दूसरे राज्यों से की जाए, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि वहां पर मुख्यमंत्री से पूछकर एसीबी को या किसी भी संस्था को कार्रवाई करनी होती है, क्या ये छूट या फ्रीडम एसीबी को राजस्थान में है और इसीलिए चाहे ऊपर बैठा कोई मंत्री, विधायक, नेता, मेयर हो या मेयर पति हो और या फिर कोई अधिकारी, कार्रवाई एसीबी बेधड़क करती है? आज चर्चा इसी मुद्दे पर। कल का यहाँ का घरदार होगा, ये मन चले जो लड़के होते हैं ना, वो पूरा माहौल खराब करते हैं। हमने कहा मन चले लोग जो है इनका इलाज करो, इनके नाम लिखो, उन्हें बदतमीजी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, बर्दाश्त नहीं करते। तो जीरो टॉलरेंस की नीति, इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज किया। लेकिन ये देखिए, ये जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र आज से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते नहीं आ रहे हैं। इससे पहले भी एसीबी को लेकर वो इस तरह का जिक्र करते रहे हैं। अगर आंकड़ों के तहत आपसे बात करें तो पिछले साल एसीबी ने अपना ही रिकॉर्ड, पिछला रिकॉर्ड उसने तोड़ा था। 500 के करीब ये कार्रवाई हुई थी और ये कार्रवाई जो थी एसीबी की, देश में सबसे ज्यादा कार्रवाई थी। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मुख्यमंत्री से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो क्या मुख्यमंत्री से परमिशन लेकर ही उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है और राजस्थान में जो बेखौफ होकर एसीबी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, इस पर ही आज चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, आपको मुखातिब करा देते हैं। और सबसे पहले बता दें, रामलाल शर्मा जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, पूर्व मेयर, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और अनिल गोठवाल जी हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी जुड़ गए हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आज रामलाल जी आपका ही जिक्र करेंगे, क्योंकि आपसे जिक्र इसलिए क्योंकि जीरो टॉलरेंस का जिक्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे थे आज और कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री से पूछना पड़ता है, यहाँ फ्री है और एसीबी कार्रवाई करती है जिस पर भी करनी होती है, जो भी भ्रष्ट होता है। देखिए मेघा, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी कितनी बातें करे कि राजस्थान के अंदर मेरी सरकार संवेदनशील है, मेरी सरकार पारदर्शी है और मेरी सरकार जवाबदेह है, ना ये सरकार जवाबदेही है, ना ये सरकार पारदर्शी है, ना ही किसी भी घटना के ऊपर मुकाम तक पहुंचने के काम ये सरकार कर रही है। अब ये करिए कि जीरो टॉलरेंस, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एसीबी ने कितने मुकदमे दर्ज किए, कितने मुकदमों के अंदर आपने चालान पेश किया और कितने मुकदमे आज भी अभियोजन स्वीकृति के नाते पेंडिंग पड़े हुए। आप पिक एंड चॉइस के आधार के ऊपर काम करते हो, जो सरकार के अनुकूल अच्छा लगता है आप उसको डंप करने का काम करते हो और जो सरकार की रंजिश निकालने वाले मामले हैं आप उनमें तत्परता से कार्रवाई कराने का काम करते हो। और अभी मेरा सीधा सीधा आरोप है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से आरटीओ डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार हुआ था, तत्कालीन परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास थे और इस मुद्दे के ऊपर भी राजनीतिक साजिश के तहत कार्रवाई है, ना कि मेरिट के आधार के ऊपर कार्रवाई है। सबको पता है कि राजस्थान के अंदर मुनीष गुजर ने सरकार के खिलाफ कई दिनों तक धरने के ऊपर बैठी थी और मुनीष गुजर प्रताप सिंह खाचरियावास का समर्थन प्राप्त मेयर है। अब ये बात मुख्यमंत्री जी के नजदीकी मंत्री महेश जोशी को अच्छी नहीं लगी और ये कार्रवाई सीधी सीधी एक राजनीतिक द्वेषता की कार्रवाई है। जहां राजस्थान के अंदर राजेंद्र गुड्डा सरेआम आरोप लगा रहे हैं कि सरकार भ्रष्ट है,
कहां 40% की बात कर रहे हो, 50% का भ्रष्टाचार है। जहां भरत सिंह सांगो से आने वाले विधायक आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार की गंगा बारा से निकलती है और मुख्यमंत्री जी खुद देखने के लिए आ रहे हैं, तो सीधा सीधा आरोप है इन्हीं के विधायक और इन्हीं के मंत्री सरकार को। लेकिन जब ये एसीबी कार्यवाही करती है रामलाल जी, ठीक है, इसका जवाब मैं ज्योति जी से ले लूंगी कि कैसे क्या ये पॉलिटिकल नजर आता है जिसका जिक्र आपने किया है, लेकिन अगर कार्यवाही होती है तो इस बात से तो आप इत्तेफाक रख सकते हैं ना कि कार्यवाही पे ये प्रेशर नहीं रहता, दबाव नहीं होता कि भाई इसके खिलाफ कार्यवाही नहीं होनी है या इस पर भ्रष्टाचार की कार्यवाही नहीं होगी, जो भी भ्रष्टाचार करेगा रिश्वत लेगा उस पर कार्यवाही होगी। निश्चित रूप से एसीबी को करनी भी चाहिए, एसीबी कार्रवाई भी कर रही है, हमारा एसीबी के ऊपर आरोप नहीं है। एसीबी की बजाय जो राजनीतिक संरक्षण के अंदर जो विभागों की अभियोजन स्वीकृति दी जाती है, क्यों पेंडिंग करके रख रखी है मुख्यमंत्री जी ने? आज पंचायत राज के अंदर कितने भ्रष्ट लोगों को एसीबी ने कार्रवाई की, उसके बावजूद उनकी अभियोजन स्वीकृति नहीं है। आज भी स्थानीय निकाय डिपार्टमेंट की कितनी अभियोजन स्वीकृति अभी तक सरकार ने नहीं दी, तो आखिरकार बताए तो सही सरकार सर। ये इसका मैं एक जवाब देना चाहूंगी कि मैं मध्य प्रदेश को लेकर पढ़ रही थी और मध्य प्रदेश को लेकर एक आंकड़ा सामने आ रहा था, जो इसमें नजर आ रहा था कि ऐसे 24 विभाग है जिसमें अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी गई है, तो कैसे आगे की कार्यवाही होगी? और क्या इसलिए ये कुछ लाइनें थी कि आप भ्रष्टाचार रोकना नहीं चाहते हैं इसीलिए अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी जा रही? देखिए मेगा, सीधा सीधा आरोप यही है कि सरकार की मंशा स्पष्ट है पिक एंड चूज के आधार पे। आज राजस्थान के अंदर एसीबी ने जितनी कार्रवाई की, आज बीजेपी के जितने भी सिंबल पे जीते हुए जनप्रतिनिधि थे, तत्काल उनके अभियोजन स्वीकृति देके कार्रवाई करने का काम किया। जहां जहां कांग्रेस के जनप्रतिनिधि ने भ्रष्टाचार किया, एसीबी ने कार्रवाई की, आज भी उनकी अभियोजन स्वीकृति पेंडिंग पड़ी हुई है। सरकार को भ्रष्ट कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर भ्रष्टाचार के आंकड़े में डूबा हुआ है तो समानता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, ज्योति जी का रुख करेंगे। ज्योति जी जरा जवाब दे दीजिए, रामलाल जी कह रहे हैं कि कार्रवाई तो सबके खिलाफ होनी चाहिए लेकिन कुछ राजनीति को प्रभावित करते हुए राजनीति प्रेरित भी इस तरह की कार्यवाहियां होती है। नहीं नहीं, देखिए आप अगर राजस्थान में अगर हम देखते हैं और एसीबी जिस तरीके से पिछले 4.5 सालों में, मैं यूँ कहूँ कि जिस तरीके से उसने काम किया है, पूरी स्वतंत्रता से, पूरी निष्पक्षता से जो है वो काम किया जा रहा है, जहाँ कहीं भी कोई भी व्यक्ति करप्शन करता हुआ पाया जाता है तो वो व्यक्ति को जो है वो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होती है। कार्रवाई करने के लिए एसीबी पूरी तरह से स्वतंत्र भी है, कोई दबाव नहीं है। तो यहाँ पर सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस पर ही काम कर रही है, किसी भी तरह का करप्शन सामने आने पर उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। ना तो ये देखा जा रहा है कि वो कांग्रेस या बीजेपी की किसी तरीके से किसी राजनीति से संबंधित है, ना ये देखा जा रहा है कि वो कोई छोटा अधिकारी या बड़ा अधिकारी है। आप देखेंगे हर तरह के कर्मचारी से लेकर के अधिकारी तक अगर कोई कार्रवाई होनी है तो वो कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। और यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी भी नहीं है, आपने देखा जो व्यक्ति जिस किसी भी पद पर है अगर वो करप्शन में पाया जा रहा है, आपने देखा होगा कि बीजेपी की जो मेयर थी जयपुर ग्रेटर की सौम्या गुर्जर जी, उनके पति भी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई हुई है। और अगर अभी भी अगर कुछ हो रहा है तो उनके अगेंस्ट भी जो है वो कार्रवाइयां जो है वो हो रही है। तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि राजनीति से प्रेरित प्रभावित द्वेष ये इन बातों का जिक्र क्यों करते हैं ज्योति जी? हाँ ज्योति जी, राजनीतिक द्वेष, राजनीति से प्रभावित, राजनीतिक से प्रेरित इस तरह के शब्दों का प्रयोग फिर बीजेपी क्यों करती है? देखिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी इसलिए करती है कि वो जैसा वो खुद करते हैं ना, वो ये समझते हैं कि सब वैसा ही करते हैं। क्योंकि बीजेपी की अगर हम रणनीति देखते हैं तो उनकी रणनीति यही होती है कि ईडी सीबीआई को आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग में ले, इसलिए उनको लगता है कि सभी को, राजस्थान में कांग्रेस भी ऐसा ही कर रही है। ये भाई आपकी बीजेपी की नीति हो सकती है, कांग्रेस की ये नीति नहीं है। ठीक है रामलाल जी, जवाब दीजिए। वो तो फिर अब संस्थानों की बात कर रहे हैं कि आपके कंट्रोल में होगी संस्थानें, हमारी नीति इस तरह की नहीं है। देखिए मेघा जी, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि राजस्थान के अंदर एसओजी के अंदर एक मुकदमा दर्ज होता है, यही महेश जोशी जी मुकदमा दर्ज कराने के लिए एसओजी के अंदर जाते हैं और एसओजी के अधिकारी भंवरलाल शर्मा सरदारसर के पूर्व विधायक को पकड़ने के लिए मानेसर तक जाते हैं। लेकिन जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा इनकी समाप्त होती है,
तो मुख्यमंत्री जी के साथ चाय पीते हुए पवनलाल जी शर्मा दिखे देखे जाते हैं, लेकिन एसओजी मानेसर तक तो जाती है, लेकिन चार कदम मुख्यमंत्री आवास तक जाने का काम नहीं करती है। तो आखिरकार राजनीति आधार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। कौन से कारण से राजस्थान में आपको ऐसा कहां दिख रहा है? राजस्थान में जो भी करप्शन पाया जा रहा है उस सब के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन आप अपने सरकार के अनुकूलता के आधार पर आपके पास एक बार रामलाल जी को बोलने दीजिए। मैं का यही कर रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर आज क्राइम की क्या स्थिति है, अपराध की क्या स्थिति है, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, आरोप सीधे सीधे इनके ऊपर लग रहे हैं। अलवर के इनके कांग्रेस की सभापति के खिलाफ कितने भ्रष्टाचार की सीधा सीधा एसीबी ने कार्रवाई की, आप बता तो सी उसके अभियोजन स्वीकृति आपने जारी कर दी। कितने कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष सभापतियों के खिलाफ एसीबी ने कार्रवाई की, आज तक उनकी अभियोजन स्वीकृति आपने जारी नहीं की। तो आप ज्यादा से ज्यादा यह अभियोजन स्वीकृति 5 महीने और रख सकते हो, 5 महीने बाद में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तमाम भ्रष्टाचार आंकड़े तो मेरे पास रामलाल जी बहुत सारे, लेकिन मैं उम्मीद अब मैं ज्योति जी से करती हूँ कि वही आंकड़े दे तो ज्यादा अच्छा है। ज्योति जी जवाब दे दीजिए एक बार। देखिए रामलाल जी की आवाज तो क्या मुझे बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आप आंकड़ों में कितना ही उलझाने की कोशिश करिए रामलाल जी, यहाँ पर बात जो सीधे तौर पे कार्रवाई करने वाली जो बात आती है वो दिखाई देती है। आप बताएं अगर आप बीजेपी के कोई जनप्रतिनिधि अगर करप्शन करते हुए पाए जा रहे हैं तो उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई हो रही है, और कांग्रेस के अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर करप्शन करते हुए पाए जा रहे हैं तो उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई हो रही है। तो फिर राजनीतिक दबाव की बात कहाँ से आती है बताएं, राजनीतिक द्वेष की बात कहाँ से आती है? कहीं कोई इस तरह की बात जो है वो सामने नहीं आती। आप देखेंगे छोटे छोटे पटवारी भी अगर रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके अगेंस्ट भी एसीबी कार्रवाई करती है, बड़ा कोई सीनियर अधिकारी अगर वो करप्शन करता हुआ पाया तो उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई होती है। तो बताइए कौन सा भेदभाव है? कहीं कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन रामलाल जी देखिए आपकी सोच ऐसी बन गई, क्योंकि आप खुद देखिए जहाँ चुनाव होते हैं ना जिन स्टेट्स में, वहाँ आप ईडी और सीबीआई का कितना दुरुपयोग करते हैं, किस तरीके से आप विपक्ष के नेताओं के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को उस समय उनके यहाँ पर ईडी सीबीआई को भेजा जाता है, किस तरह से वो वहां पर दबाव बनाती हैं कि, और फिर आप जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है वो नेता तो आपकी ईडी सीबीआई सब गायब हो जाती है, वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, उसके खिलाफ सारे मुकदमे खत्म हो जाते हैं। हमारे साथ मिथिलेश जामली राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ गए हैं। ठीक है ज्योति जी, मैं एक 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 आंकड़ा दे देती हूँ, एक आपके पास भी आंकड़ा दूंगी, आपसे भी सवाल होगा, लेकिन रामलाल जी पहले आपसे है। 200 अधिकारी सरकारी अधिकारी पकड़े गए उत्तर प्रदेश में, और सलाखों के पीछे एक भी नहीं है। आप अभियोजन की बात कर रहे हैं सर, इसका जवाब दे दीजिए, पहला इसका जवाब दीजिए, फिर एक और आंकड़ा है। जी देखिए मेघा जी, किसी भी प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर जीरो टॉलरेंस के आधार के ऊपर आप कार्रवाई करना चाहते हो तो कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा तो मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा कि नहीं करे तो ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम के मामले में जितनी कार्रवाई पूरे देश के अंदर कठोरता के साथ की गई है उतनी अन्य प्रदेशों ने नहीं की, ये बात बिल्कुल सही है। आज पूरे देश के अंदर बिहार और उत्तर प्रदेश क्राइम के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में ये माना जाता था कि ये दोनों प्रदेशों की स्थिति बिगड़ी हुई है, लेकिन आज कोई भी माफिया हो, कोई भी ऐसा आरोपी हो जिसके ऊपर संगीन आरोप है, वो कानून के दायरे से बच नहीं सकता, सीधी कार्रवाई करने का काम किया है। उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश शांत प्रदेश की श्रेणी के अंदर आने लग गया। तो मैं किसी भी क्राइम से इत्तेफाक रखती हूँ कि सांप्रदायिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है, उनको कंट्रोल किया गया है, और एक ये तारीफ की बात है, इसको नकारा नहीं जा सकता, और राज्यों में भी ये होना चाहिए। लेकिन वहीं भ्रष्टाचार की बात करें तो वो राजस्व विभाग आपका उत्तर प्रदेश में अव्वल नंबर पर है, जहां पर राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है सर, और बढ़ोतरी राजस्थान को छोड़कर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश वहां पर हुई है भ्रष्टाचार के मामलों में या फिर आपराधिक गतिविधियों में, राजस्थान में कमी हुई 2020-21 का, ये एनसीआरबी का मैं बता रही हूँ, 2019 के मुकाबले में 2021 में अपराधों की संख्या में 5% की कमी आई है राजस्थान में। आज मेघा जी सरकार आंकड़े कितने पेश करे, लेकिन वास्तविकता के अंदर यह है कि राजस्थान के अंदर आज नीचे से नीचे, आज जब सरकार के नुमाइंदे ट्रांसफर में पैसे लेने लग जाए इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है, और भ्रष्टाचार का प्रमाण इसमें क्या हो सकता है? जब मुख्यमंत्री जी के राजस्थान के प्रदेश के संपूर्ण टीचरों के सामने पूछा कि क्या आपको ट्रांसफर पे पैसे देने पड़ते हैं, तब एक स्वर के अंदर बोलते हैं कि हाँ पैसे देने पड़ते हैं। जहां सरकार के नुमाइंदे भ्रष्टाचार में शामिल हो जाए तो बाकी बचने वाला क्या है?
जी ठीक है ज्योति जी, इसका जवाब दे दीजिए। और मेरा सवाल इसलिए भी आपसे है क्योंकि अगर भ्रष्टाचार की बात हो रही है, 500 के करीब जो कार्यवाही हुई और एक ये बड़ा आंकड़ा है, देश में सबसे ज्यादा कार्यवाही हो रही है, तारीफ योग्य है, लेकिन क्या इतना ज्यादा भ्रष्टाचार, इतने ज्यादा रिश्वतखोर है राजस्थान में कि इतनी कार्यवाही करनी पड़ रही है? तो कार्यवाही हुई है, उसके बाद और जितने होंगे सो होंगे। देखिए मैं मेघा जी आपको कहना चाहूंगी, रामलाल जी बहुत तेज तेज चिल्ला करके बोले, उससे कोई सच्चाई नहीं छुप जाती, सच्चाई सीधे तौर पर सामने साफ तौर पर है कि राजस्थान, देखिए कितने मामले राजस्थान, हम जानते हैं कि राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ा प्रदेश है, और बहुत बड़ा प्रदेश होने के नाते हो सकता है यहाँ पे संख्या ज्यादा हो, लेकिन आप उसी तरीके से देखेंगे तो एक्शन भी उतना ही ज्यादा दिखाई देता है कि जो अधिकारी, जो कर्मचारी, जो जनप्रतिनिधि, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार अगर करप्शन करता हुआ पाया जाएगा तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। हम मणिपुर और राजस्थान में जब आप महिला सुरक्षा की भी बात करते हैं और फिर कंपेयर कर देते हैं, कितना शर्मनाक होता है कि आप मणिपुर में आप एक्शन भी नहीं लेते, राजस्थान में एक्शंस होते हैं, और जब एक्शन होते हैं तो फिर उसको तो आपको मानना ही पड़ेगा। हम ये तो नहीं कह रहे कि कोई अपराध नहीं हो रहा, लेकिन अपराध के खिलाफ एक्शन जो है वो तुरंत प्रभाव से हो रहा है, और ये बहुत बड़ी बात होती है, यही सरकार का इकबाल भी होता है। ठीक है, अनिल कोटवाल जी का रुख कर लेते हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। अनिल जी, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति है, एसीपी लगातार कार्य भी कर रही है, एक पहले उस पर जवाब दे दीजिए। देखिए ये बिल्कुल अच्छी बात है, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, कोई भी सरकार कल्याणकारी सरकार होती है तो उसको जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई इसी राज में हो रहा है। पिछली बार में देखिए आप, IAS है अशोक सिंह भी के खिलाफ कार्रवाई हो गई थी, वो खुद यहाँ माइंस सेक्रेटरी रहे, आज ये मान लो ये मेयर और ये हो रही है कार्रवाई, आप ये देखिए ना, मेयर पति के पास से पैसे पकड़े गए हैं क्या? नहीं मिले उनके, वो PSA या उससे मिले, तो अगर मान लो कार्रवाई, मैं मेयर थी तो छोटे से छोटे कर्मचारी से लेके IAS अधिकारी तक जो भी करप्शन में लिप्त था वो जेल गया। जी मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ पर ये भ्रष्टाचार की शिकायत होती है उसकी एक जांच होती है, प्राइमरी जांच करने के बाद में आगे बढ़ा जाता है, हाँ उसके बाद में जब एविडेंस आ जाती है, वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद कार्रवाई की जाती है। तब तक ACB कुछ हद तक अपनी ये चीज़ें गोपनीय रखती है और उसके बाद में कार्रवाई करती है। अब ये बात ये आ रही है कि मेयर को क्यों नहीं पकड़ा गया, जब पति को पकड़ लिया, पति से तो पैसे रिकवर नहीं हुए, ये एक्शन होना चाहिए था, ये दिखावा होना चाहिए था, भाई पति पकड़ा गया या PA पकड़ा गया तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। पकड़े गए और इसके अलावा मेयर पति जो हैं वो पकड़े गए हैं, हाँ, और अब उनको रिमांड पर भी भेजा गया है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि ये दिखावा भी होना चाहिए कि हाँ जीरो टॉलरेंस है, लेकिन क्योंकि आप अधिकारी रहे हैं, अब जैसा आज CM कह रहे थे, वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भाई उत्तर प्रदेश हो या दूसरे राज्य हो, वहां पर उत्तर प्रदेश का खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वह दबाव में होता है, अगर ACP को इतनी बड़ी कोई कार्यवाही करनी हो तो पहले वो मुख्यमंत्री से पूछती है, क्या राजस्थान में इस तरह से नहीं होता है या राजस्थान में फ्री हैंड ACP को दिया जाता है, इसका जिक्र किया था CM ने? जी बोलिए। देखिए भ्रष्टाचार विभाग सीधा सीधा मुख्यमंत्री के नियंत्रण में है, और कोई या गृह मंत्री या और कोई मंत्री इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। ये बात तय है कि DG जो ACP होते हैं वो सीधे मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करते हैं और उनकी कार्यशैली के आधार पे वो आगे की कार्रवाई ओरिजिनेट करते हैं। मेरा ये मानना है कि जब इतना उनके पास रिकॉर्ड आ गया, वेरिफिकेशन हो गया, तो ये कार्रवाई तो होनी चाहिए थी। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे 40 लाख रुपए पकड़े या और कुछ, हमारे को डिसप्रोपोर्शनेट असेट्स जो आय से अधिक संपत्ति के मामले हैं उनके ऊपर कार्रवाई ACP को ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। जो उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर है, जो उनके कंट्रोलिंग ऑफिसर है, उनको ये करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे जो आंकड़े हैं वो आंकड़े हैं जो लोग बाग परिवाद लेके शिकायत लेके ACP के पास जा रहे हैं, वो पकड़ रही है ACP, तो वो कोई नई कार्रवाई नहीं कर रही है। नई कार्रवाई तो ये होनी चाहिए कि आय से अधिक संपत्ति, अभी ये कई बड़ी मछलियां ऐसी है बैठी हुई जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन नहीं हो पाती है। ठीक है, ये एक एक जो जीरो टॉलरेंस का है तो ऐसा उनके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। मिथिलेश जी, कल आपने जो तस्वीरें देखी होंगी मेयर पति पर या जहां मुनीष गुर्जर के घर पर जिस तरह ACP ने छापा मारा, उसके बाद एक बार BJP इसको लेकर आक्रामक हो गई है कि भाई कैसा भ्रष्टाचार फैला हुआ है,
तो वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस नीति है, इसलिए किसी को भी पकड़ने के लिए फ्री कर दिया गया है एसीपी को। देखिए, जीरो टॉलरेंस एक वर्ड है, लेकिन तमाम जो मेयर पहले, जो सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर का नाम आता है, उसमें निम्बाराम जी का भी नाम आता है, अब जो सुशील गुर्जर जी का उनका नाम आता है, तो मेयरों के घर से जो माया जाल निकलता है उसमें कहीं कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है। जो भी मेयर रही, जो ही मुनीश गुर्जर और प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच तलखी बढ़ी, तो ये कार्रवाई होगी तो उसे सियासत से जोड़ के देखा जाएगा। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आपकी जीरो टॉलरेंस है, तो आपने राजाखेड़ा की धरती पर खड़ा होकर मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा था कि मेरे कई विधायकों ने, जो बीजेपी वाले धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत और जो गृह मंत्री अमित शाह जी से पैसे लिए 10-10, 15-15 करोड़ रुपए, उसमें से 2-2, 3 करोड़ रुपए खर्च हो गए तो कोई बात नहीं है, वो पैसे मैं AICC से दिलवा दूंगा, आप वापिस दे दीजिए, उनके पैसे मत रखिए, तो वो क्या था, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक जगह कहते हैं, बांसवाड़ा में जाके कहते हैं कि अगर रमीला खड़िया नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बसती, रमीला खड़िया की गाड़ी में पैसे रख दिए गए थे और वो पैसे इसने लौटा दिए, इस आदिवासी विधायक की मेरे ऊपर मेहरबानी है, तो फिर रमीला खड़िया से भी पूछताछ होनी चाहिए। और जो विधानसभा में गूंजा था, जो हनुमान बेनीवाल ने उठाया था, परिवहन घोटाला, उसकी भी ACB जांच की कांड कहाँ है, वो कहाँ है ACB कांड। असली बात तो यह है कि मेयर और मंत्रियों के बीच जब बात बिगड़ जाती है तो बात घर की बात सड़कों पर आ जाती है, और ये आज की बात नहीं है, ज्योति जी के टाइम भी ऐसे ही कई मामले उठे थे कि मंत्रियों के बीच में उनके बीच में नहीं बनते हैं, धारीवाल जी ने नरक निगम तक कह दिया था। तो ये तमाम चीजें जो चलती है, ये बातें दूर तक जाती है। अब सच्चाई यह है कि बीजेपी को तो पता है कि कर्नाटक में हमने चुनाव क्यों खोया, क्योंकि कांग्रेस ने एक परसेप्शन, एक नरेटिव सेट कर दिया कि मिस्टर 40% जो करप्शन का एक MLA पकड़ा गया था बीजेपी का, उसके बाद उस पर मोहर लग गई। तो कहीं सियासी साल में जो 3 महीने बाद चुनाव है, ये मेयर के पति को पकड़ना भारी तो नहीं पड़ जाएगा? यही सवाल एक मेरा भी है, क्योंकि अब चुनाव आने को है और उसका प्रभाव नजर आएगा कि नहीं आएगा। ज्योति जी, आप कुछ कह रही थी, पहले बोलिए। हाँ, मिथिलेश जी अभी एक बात कह रहे थे कि मेरे समय पर भी ऐसा मंत्रियों के साथ या अधिकारियों के साथ ऐसा कुछ विवाद हुआ, लेकिन मिथिलेश जी आपकी जानकारी में होगा कि मेरे ऊपर अगर ACB ने आरोप लगाया, ACB कोई आरोप लगे तो उसकी जांच हुई, उसकी जांच लोकल फंड ऑडिट से भी हुई और ACB से भी हुई, और उसमें क्लीन चिट भी मिली। कई बार उसमें जांच में सामने आ गया कि मेयर द्वारा कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया, तो अगर आपने नहीं किया है तो वो भ्रष्टाचार हो नहीं सकता, कोई उसको साबित नहीं कर सकता, लेकिन अगर हुआ है तो फिर ऐसे में कार्रवाई होनी भी जरूरी होती है। लेकिन ज्योति जी, ये जो कार्रवाई है उसका प्रभाव तो पड़ेगा, ये एक और बैठे बैठा है मुद्दा बीजेपी को तो मिल गया ना। मैम, जल्दी से जवाब दे दीजिए ज्योति जी, ACB की कार्रवाई कैसे हो सकती है, आपने किया ही नहीं है तो कैसे हो सकती है? ज्योति जी, खुद उदाहरण हूँ, ज्योति मैंने नहीं किया था तो मेरे खिलाफ खूब आरोप लगे, एक जवाब दे दीजिए कि क्या ये जो कार्यवाही हुई है, चुनाव आने वाले हैं, इसको भी एक मुद्दा बैठे बैठे भुनाएगी बीजेपी इसको लेकर, और उसको मुद्दा मिल भी गया? देखिए, बीजेपी कैसे मेगा इस मुद्दे को बुनाएगी, बीजेपी की तो खुद की जो मेयर है सौम्या गुर्जर, उनके पति करप्शन में जेल में गए, हम तो हमारी सरकार तो करप्शन के अगेंस्ट कार्रवाई कर रही है, कोई भी व्यक्ति हो उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर रही है, तो कांग्रेस तो करप्शन के अगेंस्ट है। आप अपनी मेयर के पति को संभालिए ना, कि काम और लगातार जो इस तरह के करप्शन में पाए जा रहे हैं। ठीक है मैम, रामलाल जी एक क्लोजिंग कॉमेंट दे दीजिए 10 सेकंड में। देखिए मेघा, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस के खुद के विधायक करें कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ के अंदर डूबी हुई है, आज कांग्रेस के खुद के नुमाइंदे भ्रष्टाचार के अंदर सीधे लिप्त हैं। कांग्रेस के आज ही बाबूलाल भैरवा के भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जोरीलाल के बेटे को गिरफ्तार किया, हेमाराम चौधरी कह चुके हैं कि मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं वो सही है, हेमाराम चौधरी जी के अलावा भरत सिंह जी कह चुके, राजेंद्र बुड्ढा कह चुका, तो कांग्रेस खुद अपने लोगों से गिरी हुई है। हम जब आरोप लगाते तो कहते हैं कि ये तो विपक्ष के लोग हैं, इनका तो आरोप लगाना आदत है, लेकिन आपके घर के अंदर
परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं तो उनको तो आप गंभीरता से ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट का भाग बनने के लिए। लेकिन भ्रष्टाचार वो मुद्दा है जिस पर अब एक बार फिर से बीजेपी खड़ी होगी। तो कांग्रेस ये कह रही है कि हम तो खुद भ्रष्टाचार के मुद्दे को हटाना चाहते हैं, ये भ्रष्टाचार को राजस्थान से खत्म करना चाहते हैं और जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रहे हैं। और आज यही मुद्दा, लेकिन ये सवाल, ये जवाब जो है वो लंबे समय तक ढूंढेगी राजस्थान की, क्या वाकई में राजस्थान अब भ्रष्टाचार मुक्त होगा, कब होगा, और क्या अधिकारी जो लगातार इस तरह की रिश्वत लेते हैं या जो लोग रिश्वत लेते हैं उनको अब जल्द ही सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।